बॉडी के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। हमें मालूम है कि जो साउंड है उसके भी दो हिस्से होते हैं। साउंड जो है इन अ फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, और इस वेव में इसके दो पार्ट होते हैं। एक वो हिस्सा जहाँ पर इसके मीडियम के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा करीब करीब होते हैं, और दूसरा वो हिस्सा जहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा सा फासले पर होते हैं। इस हिस्से को हम कंप्रेशन कहते हैं, और इस हिस्से को जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इस हिस्से को हम लोग रेयर सेक्शन बोलते हैं। यानी कि एक जो साउंड वेव है वो एक कंप्लीट जो है कंप्रेशन और रेयर सेक्शन से बनती है, और एक कंप्रेशन और रेयर सेक्शन जितनी लेंथ ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम उस चीज़ की वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि साउंड की वेवलेंथ कहते हैं। ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता जाता है, फिर कंप्रेशन आ जाता है, और थोड़े वक्त के बाद रेयर सेक्शन, और फिर कंप्रेशन, फिर रेयर सेक्शन। इस तरीके से वेवलेंथ इंक्रीज करती चली जाती है किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो साउंड है इसके लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। स्पीड ऑफ, और ये जो साउंड है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम आवाज़ की स्पीड भी फाइंड आउट करना चाहें तो पहले तो आवाज़ की प्रोडक्शन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियम जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिस मीडियम के अंदर आपकी आवाज़ जो है, ये आवाज़ जो है ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड है, उसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होनी चाहिए उस मीडियम की। और तीसरी चीज़ ये कि उस मीडियम का जो प्रेशर है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रेशर है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होता है। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसके इक्वल कैसे है। इस चीज़ को हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे कि जो प्रेशर है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल किस तरह से आ जाता है। लेकिन जो हमारी साउंड है या स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड इन तीन चीज़ों पर ही करती है। एक हमारा मीडियम किस तरह का है, दूसरा उस मीडियम की डेंसिटी क्या है, और उस मीडियम का प्रेशर या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अब ये जो हमारा मीडियम है, ये मीडियम भी तीन तरह का हो सकता है। या तो हमारा मीडियम जो है वो सॉलिड हो सकता है, या हमारा जो मीडियम है जिसमें हमारी साउंड ट्रैवल कर रही है, जिसके अंदर हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है, वो लिक्विड हो सकता है, या तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो मीडियम जो है वो गैस हो सकता है। और इन तीनों चीज़ों में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, इनकी डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड और फिर गैसेस आती हैं। आप स्पीड ऑफ साउंड को निकाल भी सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर आपको सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है तो आपको मालूम है कि आप ऐसे कीजिए कि एक कोई भी रॉड ले लीजिए, आयरन रॉड, और इसके दो हिस्से इस तरह से कर लीजिए, और दो मेंबर खड़े हो गए, एक मेंबर ए इस तरफ इस पॉइंट पर खड़ा हो गया और एक मेंबर बी इस पॉइंट पर खड़ा हो गया। लेट्स सपोज ये कोई आपका इलेक्ट्रिक पोल टाइप की कोई चीज़ है। इस तरीके से आपका एक फ्रेंड जो है, फ्रेंड बी, वो यहाँ पर खड़ा होकर हैमर से इस चीज़ को हिट करता है, और जो पॉइंट ए पर खड़ा हुआ पर्सन है वो इस साउंड को डिटेक्ट करेगा। तो वो देखेगा कि उसे ये साउंड बहुत तेज़ी से सुनाई देती है, बहुत जल्दी वो इस साउंड को डिटेक्ट कर लेगा। सिमिलरली आइए, तो सॉलिड के लिए आपने किया, अब आप इस तरह से कीजिए। अब अगर आप लिक्विड के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या जो लिक्विड है उसमें भी आप स्पीड ऑफ साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या उस लिक्विड के अंदर भी साउंड की आवाज़ आती है या साउंड जो है सुनाई देती है। उसके लिए आप यूँ कीजिए कि आप एक बीकर लें, और इस बीकर के अंदर वाटर, इस बीकर को जो है वाटर से फिल कर लीजिए। ये वो हमारा बीकर है, और लेट्स सपोज कि हमने इसके अंदर ये वाटर फिल कर लिया। इस तरीके से हमारा कुछ पानी है जो इस बीकर के अंदर हम लोगों ने ले लिया फॉर द डिटेक्शन ऑफ साउंड, कि क्या लिक्विड के अंदर भी हमें आवाज़ सुनाई देती है या नहीं। ये इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसके अंदर पानी भर लिया। अब आप इसमें ये करें कि एक जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, उसे ले लीजिए, और उसका ये वाला हिस्सा जो है इसे वाटर के अंदर डाल दीजिए, और ये दूसरे दोनों जो हिस्से हैं जिसे हम लोग एयरफोन कहते हैं उन्हें अपने कानों में लगा लीजिए, और यहाँ पर एक बेल लीजिए, और इस बेल को यहाँ पे वाइब्रेट कीजिए अपने हैंड के ज़रिए। ये आपका हैंड है, इसके ज़रिए आप इसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर जब आप इसे एयरफोन को अपने कानों से लगाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स में भी स्पीड ऑफ साउंड जो है डिटेक्ट की जा सकती है। जो साउंड है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है लिक्विड के अंदर भी,
बस फर्क ये पड़ेगा कि आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है वो थोड़ी सी आहिस्ता सुनाई देगी, लेकिन आवाज सुनाई जरूर देगी। इसी तरह आप गैसेस के लिए भी कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो है हम लोग कहते हैं सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, मतलब सॉलिड जो है उसमें तेजी से स्पीड ऑफ साउंड जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो आवाज है वो सॉलिड के अंदर से ज्यादा तेजी से गुजरती है। इसकी रीजन ये होती है कि सॉलिड जो चीज होती है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। जो सॉलिड है सॉलिड्स के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल जो हैं सॉलिड्स के एटम्स मॉलिक्यूल वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। और हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से या उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने से तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सॉलिड में चूंकि ज़्यादा वाइब्रेशन होती है इस वजह से, ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से सॉलिड में जो साउंड है वो ज़्यादा जल्दी से गुजरती है, ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से हमें सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जल्दी सुनाई देती है। मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा करीब होने की वजह से हमें आवाज़ जल्दी सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से कहते हैं हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनमें साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से जो आवाज़ की स्पीड है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होती है। जो लिक्विड्स हैं उसमें हमें मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आवाज़ की स्पीड है वो सॉलिड्स की नस्बत कम हो जाती है। और जो गैसेस हैं, गैसेस तो मिक्सचर और जो एयर है या गैसेस हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है एयर जो है, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं यूज से ज़रा दूर दूर फासले पर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है कम होती है, कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी, अगर आप ऐसा कीजिए कि कोई भी एक ड्रम ले लें और उसके ऊपर कुछ पेपर पीसीज रखिए और किसी भी पॉइंट से इसे बीट कीजिए, तो आप देखेंगे कि इस वाइब्रेशन पैदा होने से ये जो आपके पेपर पीसीज हैं ये ऊपर नीचे उछलना शुरू कर देंगे और आपको आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है। आपके ये जो ड्रम का ये लेवल है ये वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली कोई भी बॉडी जब भी वाइब्रेट करेगी, जैसे कि आप जब बोलते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, इसी वजह से तो आप बोल पाते हैं और आपकी जो साउंड है वो निकलती है और जो दूसरा पर्सन है वो अपने एयर के ज़रिए आपकी आवाज़ को सुनता है। अगर आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ना करें तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करती तो उसकी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स बताऊं, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी जो है उसकी स्पीड। अगर स्पीड ऑफ साउंड ग्लास के अंदर बात की जाए, क्योंकि ग्लास जो है वो सॉलिड है, तो एट सम टेम्परेचर लेट्स से कि हम लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट किया, बल्कि ये इसकी एग्जाम्पल है कोट की गई है इसीलिए मैंने आपको बता दी, जो कि 5,500 मीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली जो वाटर है, वाटर के, चूँकि वाटर लिक्विड है, वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है इसी टेम्परेचर पर अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही फाइंड आउट की जाए तो वो तकरीबन निकलती है 1483 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड था उसमें स्पीड ऑफ जो साउंड है वो 5,000 की रेंज में है और जो लिक्विड है उनमें 1,400 की रेंज में आ रहा है। सिमिलरली अगर आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करें, स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर के अंदर, एयर चूँकि गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और इसे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर ही करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर करने से ये तकरीबन निकलती है 332 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आवाज़ की स्पीड आप मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर, मुख्तलिफ जो है मीडियम उनके अंदर मालूम कर सकते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके लिए एक फार्मूला है, मतलब ये कि स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड है अंडरवुड डेंसिटी के। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी बहुत कम है तो यानी स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी कम है, इसका मतलब है उस मीडियम के अंदर जो है वेलोसिटी और वो स्पीड ऑफ साउंड वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो आपको सब कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड में हम लोग जो कॉन्स्टेंट इंसर्ट करते हैं या हम जो कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपको मालूम है कि जो इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी एक कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है। कॉन्स्टेंट फैक्टर इस तरह से होता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की कॉन्स्टेंट रेशियो होती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं। इनकी मतलब इनके जो डिजीन है, जो इनका आंसर आता है, वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट फैक्टर आता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए, तो उन्हें हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह देते हैं। जिसकी वजह से इस कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट किया है
और चूंकि डेंसिटी हमारी स्फीयर उसमें भी, तो हमारा जो कांस्टेंट है उसे भी हम लोगों ने बेहतर यही समझा कि उसे भी हम लोग जो है अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें इस तरह से। तो हम लोगों को अगर कभी भी स्पीड ऑफ साउंड डिटेक्ट करनी हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मटेरियल के लिए वो अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ दैट मटीरियल है। अगर हमें उस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, उसकी डेंसिटी मालूम है, तो हम उस मीडियम के लिए स्पीड ऑफ साउंड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस मीडियम से जो आवाज़ है वो कितनी तेज़ी से गुजर रही है। तो इस तरह से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, आवाज़ क्या है, आवाज़ के पैदा होने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिस्म का वाइब्रेट करना ज़रूरी है, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मीडियम क्या है, उस मीडियम की डेंसिटी क्या है, फिर उस मीडियम के अंदर जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, सॉलिड्स के अंदर किस तरह से आवाज़ की जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस, और हम किस फॉर्मूले के जरिए जो है स्पीड ऑफ साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए।